वर्तमान आम पहुंचीजु रानीपुर झरियाल जो झरियाल कि तंत्र जंत्र मंत्र पीठ ये रही 64 योगिनी सर्वपुरातन शैव मंदिर आम बर्तमान पहुंचीजु एटा हूँ रास्ता देख रास्ता को लोकेशन कराई बर्तमान तापटे गति करवा आम जो झरियाल कौट झरियाल कौन रही रानीपुर झरियाल 64 योगिनी किभ भाव अच्छा किभली भाव पूजा पाँच पूर्व लोक मैंने तंत्र जंत्र विद्यार पाठ करुले एवं विभिन्न प्रकार तांत्रिक विद्या मध्य शिक्षा करुले आसतु आम बर्तमान रानीपुर झरियाल भितर प्रवेश करवा। बलांगीर जिला सदर महकुमा ठारु 104 किलोमीटर दूर से अवस्थित रानीपुर झरियाल अनेक अनन्य कीर्ति एठारे इतिहास को प्रतिपादित करे। पुराणा कालर मुक साक्षी एही भग्न स्तूप प्रतिटी चट्टाण बखाणी हजार हजार कहानी प्रतिटी पत्थर देखी अतीत आउ अतीतर घटनावली पर्यटकों पर यह एक ऐतिहासिक स्थल आउ ऐतिहासिकों पर गवेषणार एंतुड़ीशा। चौसठी जोगिनी मूर्ति पाई विश्वविख्यात बलांगीर जिला बंगमुंडा और सिंधिकिला ग्रामर सीमा मध्य अवस्थित रानीपुर झरियाल। रानीपुर झरियाल ठारे अनेक गुड़िए मंदिर देखा मिले से सोमेश्वर शिव मंदिर सर्वबृहत। यह मंदिर सोमवंशीय राजा सोमेश्वर गुप्त द्वारा निर्मित होता पत्थर शिलालेखर जमापड़े। यह मंदिर में शिव कार्तिकेय गजलक्ष्मी और बुद्ध मूर्ति मान पूजा पाते। सोमेश्वर मंदिर टी अंचल एक प्रसिद्ध शैवपीठ केतेक ऐतिहासिकों मत अनुसार मंदिर टी गगन शिव नामधेय जैनिक विख्यात शैवचार्य द्वारा निर्मित होता। सोमवंशीय राजा पृष्ठपोषकत से ही मंदिर निर्माण करते रानीपुर झरियाल प्रकृत पक्ष संस्कृति निदर्शन अटे एवं ऐतिहासिक तथ्य अनुजाई यह प्राय नवम दशम शतक प्रतिष्ठित होता आपात प्रमाण पाखे उपलब्ध मत्तमयूर शैवीजिम प्रतिष्ठा ये गगन शिवंकर नारे नामित होता एवं सोमवंशी राजा प्रथम जन्मजयंकर द्वारा निर्मित बोली प्रमाणित एवं यहाँ एक शिलालिपि जना पड़े सोमेश्वर मंदिर जो शिलालिपि अच्छे से निर्दिष्ट भाव में उल्लेख कराई कार द्वारा दिया एवं समय समय अनुसार हिसाब कले प्राय नवम दशम शतक या व्यतीत यार विशेषत्व है एक निर्दिष्ट पत्थर खंड उपरूर बेगला साहेब आसते परवर्ती समय अन्य गवेषक मैंने कनिंघम आसते अन्य गवेषक मैंने संपर्क में गवेषणा कर तथ्य प्रदान कर आरंभ से 140 रु ऊर्ध छोट बड़ मंदिर सब था परवर्ती समय ध्वंसप्राप्त एवं प्राय 45-50 मंदिर से अवस्थापित एवं ता आगु आम तो इतिहास रेकर्ड से स्थानित होना यह आगु ये बौद्ध धर्म प्रचार होती अनुमान कारण से गोटे बौद्ध मूर्ति मिलता परवर्त काल हरिशंकर को स्थानांतरित होता यार विशेषत्व है ये विभिन्न धर्म समन्वय केन्द्र था तथा बौद्ध धर्म तंत्र तंत्र ज्ञान था सहजान प्राक्टिस कराला शैवीजिम था मत्तमयूर स्कूल अफ थटर था वैष्णवीजिम था एवं शाक्त पूजा कराला कारण तार प्रमाण है शाक्त पूजा हेबार प्रमाण है जोटा आम रानीपुर झरियाल 64 जोगिनी मंदिर या भारत में यह मानने विरल बोली कहुए केवल घेराघाट हीरापुर रानीपुर झरियाल विद्यमान कि स्टाइलिस्टिक कनसीडरेसन को विचार को ने कहुपे यहाँ बोधे प्रथम ये परवर्त समय हीरापुर या खजुराहो घेराघाटर जोटा या ऐतिहासिक तथ्य संबलित आम पाखे उपलब्ध आम बर्तमान 64 योगिनी मंदिर भितर अच्छा 64 योगिनी अच्छा आप देखा आसतु यहाँ देखो पथर से किभली भाव में लोक मैंने नष्ट कर लुहार बारिकेटेड कर लुहार तार दि रड दिया रखाई संपूर्ण देखो आप बुले बुले देखिए विभिन्न रूप से
देवादेवी मान अच्छा यू पथर निमित्त बहुत सर्व पुरतन यहाँ बहुत पुरतन जहाँ ख्रीटाब्द 680 पूर्व बनुमान जहाँ इतिहास कहूँ आप देखिपे कि भाव में वृत्ताकार आकार राउंड आकार गुलाइकार आकार रही आ गोटे जिनस रही समस्त रही बेले मझी जो रही मझी मझी अंचल जो मझी मानते राउंड होगा गोटे मध्यस्थ रही मझी गोटे मंदिर रही मंदिर शिव शिव भगवान रही शिव को पूजा पाँच तेज़ गणेश अच्छे आप देखे चाहिए कैमेर देखो आप शिव रही तेज़ गणेश रही वृषभ मध्य रही जगह पूजा कराए और ये पूजा पाती संपूर्ण ये देखो आप पूजा भी आज होते जहाँ कि सिंदूर लगी धूप काठी रही पूजा करती लोक अनेक लोक निजर मनोकामना जो तांत्रिक विद्या जहाँ भी रही है पूजा कर सर्व पुरतन मंदिर आउ गोटे जिनस रहा ये गोटे गणेश मंदिर रही देखे चाहिए से गणेश मूर्ति डायमंड बाहरता हीरा बाहर लोक कहते हैं आप तर सुंदर जो सुंदर जी गणेश भगवान को रही है यहाँ से गणेश भगवान ये जो रही जो मुहर सुंदर रही है ये डायमंड बाहर लोक कहते लोक सूचना जहाँकि पूर्व अनेक खबर कागज अनेक वैद्युत गणमाध्यम प्रकाशित होता खबर प्रसारण होता तापर अनेक लोक यह भांगे लगि रही थे आई मूर्ति बाहर का जमीक आप देखते ये मूर्ति रही मूर्तिर मुहर जो रही मुह लोक भांगी कहीं का डायमंड बाहर बोलिक लोक आशा थी तापर सरकार व जिला प्रशासन या को लेकिन बर्तमान यार सुरक्षापी कि लुहा तार लुहा जाली देखिए ये जो लुहार बैरिकेटेड कर सुरक्षा दि जाइए लोक मध्य बर्तमान जो भंगे प्रशासन कड़ाकड़ी भाव सुरक्षा रखी कहीं लोक मन चिंता था कि काले आहरी आउ कौन मूर्ति काले डायमंड बाहरी पारे सब सेनेक मूर्ति को किसी भंगा भुंगी नष्ट लगे रही थे। यह मंदिर व्यतीत अन्य 57 टी मंदिर दृष्टिगोचर हुए। एतद्व्यतीत स्थानी स्थानी थिबा भग्न इटास्तूप प्रमाण दिए जे अतीतरे एठारे आहुरी मंदिर थिला मात्र कालर कराल कबळरे एगुडिक भग्न स्तूपरे परिणत होचे एठारे साधु माने तांकर तंत्र विद्या साधना करथिले। देखंतु किछि दिन तळे आमर टूरिजम डिपार्टमेंट रु हरिशंकर रु बलांगीर रु हरिशंकर गोटे टूरिज्म बस प्रथम थर पर प्रचलित है आमर टूरिज्म डिपार्टमेंट रु माननीय मुख्यमंत्री जेहेतु ध्यान देकरी से बलांगीर टूरिज्म उपरे डेवलपमेंट रो ध्यान अच्छे से फर्स्ट करी बलांगीर हरिशंकर गाड़ी चलेचन टूरिज्म डिपार्टमेंट रु तांकर प्लानिंग अच्छे मुई जहाँ जाणीचे से बलांगीर रु 64 जुगनी मंदिर रानीपुर झरिया के भी तांकर प्लानिंग अच्छे जेनटा कि लोक आराम से दर्शन भी करी पारबे। आशा करा जाउथला जे राज्य सरकार उभ राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मिसी रानीपुर झरिया 64 जोगिनी पीठर उन्नति करिवे पारिपार्श्विक उन्नति हेबो एवं पर्यटक माने जो आज आसुछंती जो अवस्था भोग करछंती से अवस्था भोग नकरी एवं आराम रे आसीगिर जिवे एवं आसीबे तार व्यवस्था करिवे एवं 64 जोगिनी पीठर गोटे पुनरुद्धार हेबो सेटा गोटे विराट पर्यटन स्थली हेबो बोलिकिरी आमर जिल्लावासी मानकर भितरे आशा संचार हेतिला किंतु दुखर कथा जे आज पर्यंत राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार कोनोसी प्रकार पदक्षेप नो नहंती जार फल रखी आज पूरापूरी भाव में अवहेलित अवस्था रही। प्रथम तो रानीपुर झरियल जेनटा आमर गोटे ऐतिहासिक शैवपीठ जेनटा कि ओडिशा रे जुड़े अच्छे गोटे हीरापुर अच्छे आ गोटे आमर बंगमुंडा स्थित रानीपुर झरियल अच्छे यार ऐतिहासिक रीति बोले 64 जोगिनी आम इन्हें रोचन जेनटा कि सरकार अवहेला जो जेन प्रकार पर्यटन विभाग जेन मान्यता देवार कथा आज से नहीं पारि परवर्त काल सरकार से हाथ के नहीं किटा डेवलपमेंट कर से जहाँ भी हो ये ऐतिहासिक पीठ के ओडिशार गोटे कीर्ति भाविकी निहाती भाव इटा के प्राधान्य देवार कथा आके नेबार कथा जेनटा कि आमर ओडिशार गोटे बड़ पर्यटन स्थल बोलिकी विचार के निया जाए।
रानीपुर झरियाल आउ एक आकर्षण जिनस रही जहाँकि इंद्रनाथ मंदिर आपत देखिपे यहाँ संपूर्ण भाव में पोड़ा इटार निर्मित कराई एट सर्व बहुत पुरतन मंदिर इंद्रलाट बा इंद्रनाथ इंद्रनाथ मंदिर कहते या मंदिर में केवल बौद्धिक बौद्ध पूजा पाती यहाँ सर्व पुरतन मंदिर अच्छी यहाँ झरियाल रही आम पूर्व आम रानीपुर यहाँ झरियाल रानीपुर और झरियाल को मिसाइक रानीपुर झरियाल नाम प्रसिद्ध रही संपूर्ण भाव में जो मंदिर आप देखते मंदिर प्रायतः 90 फुट उच्चता रही 60 फुट विश्व प्रस्तर एरिया रही चूड़ा रही प्रस्तर रही मंदिर को सर्व पुरतन मंदिर कहुए यहाँ रानीपुर झरिया आउ एक आकर्षण जिन जो मैंने रानीपुर झरिया तीर्थयात्री बुले आसती देखा पर्यटन आसती से इंद्रनाथ मंदिर को देखा आसी था मुख्यतः 64 जोगिनी को आम पूजा करें शिव तांडव नृत्य कर दृश्यमान एवं ये तंत्र विद्या साधन कराला विभिन्न समय ये गोटे मोनास्ट्रिक अनुमान करें जोटे शिष्य मान शिक्षा दान कराला आम कनक्लूड तो करवेषणा सापेक्ष से बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार अतीत प्रमाण मिले रानीपुर सीरियल 64 जोगिनी मंदिर रु किसी दूर से अल्प दूर प्राय अधा किलोमीटर पाखापाखि दूर से इंद्रलाट मंदिर अवस्थित एवं सीटा ईटा द्वारा निर्मित जमी आम बुढ़ी कुंडा यहाँ मंदिर अच्छी यहाँ गुप्त युग निदर्शन कह जाए सीटा प्रायतः दशम एवं 11 शतक अनुमान करे आठी वैष्णव धर्म गोपाल को पूजा करा कृष्ण मंदिर थी ऐतिहासिक तथ्य उपादान जहाँ मिले से कन्फर्म कर तेणु सर्वोपरि कह रानीपुर झरियाल एक विभिन्न धर्म समन्वय केन्द्र था जोटी अतीत एक सहर मध्य अनुमान प्राचीन कोशल दक्षिण कोशल राजधानी थी आम ऐतिहासिक मैंने वर्णना करा कौशिल बालखमार ये जगह गुड़ाक अच्छी रानीपुर है झरिया था सीठी विभिन्न कार्यपाई सब प्रतिष्ठित होता अनुमान करे रानीमहल राणी मैंने रोगे बालखमारे शस्य जमा करा कि कौशिल राजधानी थी परवर्त समय परिवर्तित है बलांगीर को आसला कि दक्षिण कोशल राजधानी थी ऐतिहासिक डॉक्टर नवीन कुमार साहू आर सी मजुमदार एस सी रायचौधरी एवं बेगलार साहेब मध्य लेखन में यह प्रमाणित हो सारी रानीपुर झरियाल हूँ गोटे ऐतिह्यटे जेनटा पुराना जुगर गोटे मंदिर पुड़ा इटार 90 फुट उच्चता तार अच्छे आउ सेन के बहुत पर्यटक भी जाऊन जेनता नुआपड़ा है कलाहांडी है बलांगीर सब अंचल जाऊन पुराणा गोटे इतिहास कहचे जे पुराणा जुगरे सेन ऋषि मुनि मैंने पूजा करुले सेन शैवपीठ भी अच्छे किंतु आज से जगह के जदि आम देखमा गोटे बड़ पर्यटन स्थल टी हबार कथा कहीं अंचल के भी बहुत लोग आउचन हरिशंकर नरसिंहनाथ देखी किंतु पासरी दौन जे रानीपुर झलियर रे गोटे 64 जोगिनी गोटे मंदिर टे अच्छे किंतु तार रक्षणाबेक्षण टी अभाव बागी आम पर करमर अंचलवासी से लगी सरकार इतार उपरे दृष्टि देकर आगामी दिन में सेना जदि कि गोटे पर्यटन स्थल गोटे मर्यादा देकर रक्षणाबेक्षण हो पार्ता ताहले शह शह लोक सेनके पर्यटक आसते आर आमर बलांगीर रेन गोटे इतिहास कहचे 64 जोगिनी तार परंपरा आम बजाय रखता रानीपुर झरियाल हूँ आम बलांगीर डिस्ट्रिक्ट पूरा ओडिशार तमें गौरव आउ आम पश्चिम ओडिशार लगे भी बहुत गौरव जेनटा कि आम टोटाल विश्व चार्टा जगार दुईटा जगह ओडिशार अच्छे गोटे है खोर्धार गोटे अच्छे आउ जेनटा बड़टा अच्छे आम बलांगीर डिस्ट्रिक्ट टीटिलागड़ बंगमुंडा जगार अच्छे आउ सेतार कोविड पीरियड रे बहुत मानने दर्शनीय बहुत स्थान है से जगार 64 जोगिनी मंदिर सांगे सांगे आमर इंद्रलाट मंदिर भी अच्छे शिव मंदिर भी अच्छे जेनटा कि आम पश्चिम ओडिशा रो गोटे जेटा कि बहुत सुंदर दर्शनीय स्थलीटे सेतार ये कोविड पीरियड रे आमर पर्यटन पर्यटक मैंने तमें सेनके कमी जाइए यहाँ जेहेतु कोविड रो कटकणा हटिचे सरकार हटेई दीजन हटेदेला पर जेते बेले लोक मानकर तमने समागम हो जगार इतार प्रति सरकार जदि सेने
तार रक्षणाबेक्षण करबे आउ ताके उन्नति करबे बोले आउ पर्यटन बढ़बे आउ आमर अंचल रो लोकमानकर आर्थिक स्थिति भी बढ़बा बोलि कर आमर आशा। केतेक तथ्य जणा जाय जे एठारे 7 माइल दैर्घ्य विशिष्ट एक समतल पड़िया रे 32 टी पोखरी एवं 120 टी मंदिर निर्मित होइथिला। एबे सेगुडीकर ध्वंसावशेष मात्र रहिछि। एठारे थिबा मंदिर गुडीक अनुध्यान कले तत्कालीन कौशली शिल्पकला ओ भास्कर्यर बलिष्ठ निदर्शन देखिबा को मिले। एही स्थानरु केतेक बौद्ध मूर्ति मिलिथिबारु एठारे बौद्ध धर्मर प्रभाव थिला बोली अनुमान करा जाय। ऐतिहासिक जहाँ कहते प्रसिद्ध चीन परिव्राजक हुएनसा भ्रमण वृत्तांतर जनाजाए जे से कलिंगर उत्तर पश्चिम को 300 माइल अतिक्रम कर कोशल राज्यर राजधानी को आसते एनाजाए जे कोशस्थली निकटवर्ती ग्राम कौशल ही कोशल राज्यर राजधानी थिला एवं गुप्त वंशर राजा मैंने एठारे राजूति करते। आम सहित जन अच्छा ए अंचलवासी युवक अच्छा आम तुम पचारि बुझा जे ये सठी जोगिनी मूर्ति भितर जो खंड विखंड जहाँ भी टी भंगा रुचा रही केमती कौन केवे सूचना आज्ञा देखो जी ओडिशा को स्वागत करेतु 64 जोगिनी मंदिर रही मंदिर किसी मूर्ति मानते भंगा भुंगी रही आम सूचना रोते गणेश मूर्ति था तार सुंदर डायमंड बाहर लोक कहते हैं आप मैंने कौन प्रतिक्रिया रखे आज्ञा मझे कौन है सर डायमंड बाहर बोले गणेश मूर्तिर सुंदर সেপাই স্যার লোকাল লোক আসিকি এটা ভঙ্গা রুচা করি না সব ডায়মন্ড ভারে ভাবি সে ভঙ্গা রুচা কলে তারপরে বলাঙ্গীর প্রশাসন তরফ এই জালি ব্যারিকেড দিয়ে করে তাকে সুরক্ষা করা হয়েছে। দেখুন 64 যোগ এর বিশেষত্ব মহত্ব কোন রয়েছে বিশেষত্ব তো স্যার এতে কোন কি এই গুটে এইটা গুটে এমনি জায়গা সেটা 64 টা দেবাদেবঙ্কু গুটে জায়গায় পূজা করা যায় কমপ্লেন বি করা হলা স্যার প্রশাসন তরফ কিছু বি তারপরে পদক্ষেপ নেলে নি সেই আজ দিনকে দিন এই 64 জন লোক পাইবা যাচ্ছে যা আমি সূচনা দেখলে আপনার সূত্রে কিনা এই অঞ্চলে কিছু যদি লোক বা তীর্থযাত্রী বা কিছু আসতে তাহলে নিশ্চিত ভাবে অঞ্চল বিকাশ হতো লোক নিযুক্তি পাতে কিছু লোক দোকান বাজার মধ্যে করি চলতে কিন্তু বর্তমান এটি যাত্রী মানুষ অসুবিধা রয়েছে আসবা পাই অসুবিধা রয়েছে কিনা এই অঞ্চলটি বিকাশ টিকিয়ে কমি যাই যা সূচনা মিলুছি আপন শুনুলে আমি এখানকার যুবক মানুষ আলোচনা করুলে যুবক মানে সূচনা দেখে কিন্তু না বর্তমান ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন বা কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার উভয় মিশিকি যে কিছু উন্নতি যোজনা করছেন ঝরিয়াল প্রতি কিছু করা যায় তা নিশ্চিত ভাবে ঝরিয়াল উন্নতি করব এই অঞ্চল উন্নতি করব এই গাঁ মধ্যে যখন যুবক মানে বেকারি সমস্যা রয়েছে তা দূর লোক অভিযোগ করছেন। রানীপুর ঝরিয়াল হচ্ছে আমার বহু ইতিহাস তার এটা হচ্ছে কিংবদন্তী অছে তো তার পর্যটনস্থলীকে বহুত লোক বহুত আড়ু আপনার দেখুন ভুবনেশ্বর কটক নু বি আসছেন ওড়িশার সবু জায়গার আসছেন সেটা নিকে বুলি তো সেটা হ্যাঁ সে জায়গাকে যদি আমি ডেভেলপমেন্ট বেশি হিসাবে করমা পার্কটে করমা সুইমিং পুলটে ছুঁ মান লাগে কিছু এটা ব্যবস্থা করে পারমা বলে আগামী দিনে আউ বি লোক ব্যবসায়ী রোজগার বি পাই পারবে আর হে এরিয়ার ডেভেলপমেন্ট বি হয়ে পারবা। রানীপুর ঝরেল হচ্ছে গোটে বহুত পুরোনা মন্দির গোটে ঐতিহাসিক জায়গা আঠানে আগ্রহ বহুত ঋষি মানে তন্ত্রমন্ত্র সাধন করলে আগাকে সেলাই মু কুচে সে জায়গাকে সমস্তে যাই সে জায়গা টিকি সে জায়গাকে যাই সমস্তে দেখি আসবার কথা আর সে বিষয়ে জানবার কথা যেহেতু সেটা হচ্ছে বহুত পুরাতন মন্দিরটে সেগে মুই সমস্ত কুচে যাই টিকি দেখি আসুন। হ্যাঁ এই রানীপুর ঝরেল বাবদে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সেসব বিষয়ে ছুঁ মানে পড়ুছেন কিন্তু সে জায়গাকে টিকি যাই দেখি আসলে সে ধারণা টিকি আপনি বড় যদি সরকার যদি সেটা করতে তাহলে বহুত ভাল হতা যে স্টডি টুর হিসাবে ছুঁকে স্টডি টুর হিসাবে ছুঁকে নিয়ে সে রানীপুর ঝরেলটা টিকি দেখে আসতে সরকার তরফ যদি এটা হতা তাহলে বহুত ভালো হতো বলি মু ভাবুছি। রানীপুর ঝরিয়াল আমার গোটে কৌশলর রাজধানী থিলা আগরু আও বি বহুতটে সেখানে তন্ত্রপীঠ সাধনা হতো যে মানে কি
अतीत आम देखा पाऊ बुद्धिस्ट मैंने आसते सेठने किसी लोक बही लिखाई से गोटे परी राइज के जब लगे भी साधना करूँ एंता अनेक जिनस अच्छे कितु से बहुत अवहेलित होकर पड़ी आम देखा लगे पाऊ जे से जगार आगु गोटे पा रहा लगे गोटे जगह थी जेनटा कि कनेक्शन थी टीटलागड़ मंदिर सागे जेनटा कि आम इनर पैन भी गुंदा लेठने पा गुंदा लेसी आर सेनर पा गुंदा ले इनर पा गुंदा लेसी मानने भितर बहुत जिनस रहस्य रही है जेनटा कि आम देखा लगे पाऊ तार गोटे पुनरुद्धार काम ठीक से नहीं पार्बा बलांगीर गोटे एंता डिस्ट्रिक्ट इठाने मुख्यमंत्री नु आरंभ कर आम ल मिनिस्टर नु आरंभ कर आम सब प्रकार मिनिस्ट्री पाइन तार सत्वे भी आज डेवलपमेंट आम देखा लगे गले बहुत जीरो बोलिकर कह रानीपुर जरियाल एंता जगह के जी आम एत अवहेलित कर देखु बोले बाकीटा मैंने कण हाँ आप निजे जापर एजाए यार सुरक्षा पे जो पदक्षेप गुड़ाक निहि कम्प्लीट बोली कहनी कारण से समस्त को इनवल्व करवा दरकार लोकालीटर लोक मैंने मिसवा कथा आई गोटे प्राचीन ऐतिह्य प्राचीन संस्कृति धीरे धीरे तर अवक्षय चली किंतु खुशी विषय आम शुणा पाच अल्प किसी समय आगे ये आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इंडिया को टेकअप कर शुणा कथा आदारा ये मंदिर रक्षणाबेक्षण हो पार कारण आम ऐतिह्यर प्रतीक यहाँ एवं आम संस्कृतिर प्रतीक यहाँ रानीपुर जरियाल बलांगीर परिचय केवल ओडिशार परिचय सर्वभारतीय स्तर में विदित बोली कहे आउ सोमेश्वर मंदिर जोड़ा थिला आम जोड़ा गगन शिव द्वारा निर्मित आर जन्मजयर पृष्ठपोषकतार गढ़ी उठीला से मंदिर से मंदिर टा प्राय नवम शतक या कनफर्म यहाँ आईटी शैवभक्त मैंने कापाड़ी सेक्टर स्पेशली से मैंने तंत्र पूजा मध्यम तंत्र पूजा देवी आराधना करते से सेचुरेशन पॉइंट कहे साधना साधना स्थल थी आटा गोटे भारत विभिन्न स्थल विभिन्न समय पर्यटक मैंने आज पर्यटन पर्यटन विकास आहरी अनेक पदक्षेप ने आवश्यक उचित कारण आम केवल सरकारी स्तर में हेले हमें लोक मानते संश्लिष्ट करवा दरकार अनुभव हुए रानीपुर छरियल अन्य एक आकर्षण है पोड़ा इटारे निर्मित इंद्रलाट बा इंद्रनाथ मंदिर 90 फुट लंब और 37 फुट प्रस्त विशिष्ट एक बालीपथर भित्ति उपरे प्रतिष्ठित यह एक अनुपम मंदिर यार उच्चता 60 फुट मंदिर मध्यरे कोनोसी मूर्ति नथिबा बेले कांथ देहरे बराह नृसिंह और हनुमान मूर्ति रही तेणु यह एक विष्णु मंदिर बोली प्रतीयमान हुए पोड़ा इटारे निर्मित यह ओडिशारे सर्वोच्च मंदिर आमे देखिले रानीपुर झरियाल रानीपुर झरियाल कि भाव में चौसठी योगिनी एवं सोमनाथ मंदिर और इंद्रनाथ मंदिर ये आम तीन सौ जिनस देखिपारा कि भाव में ये पूजा पाँच विभिन्न छोट छोट जो मैंने तंत्र साधन व तंत्र पाठ करूँ से मंदिर गुड़ाक रही आहरी अनेक मंदिर था जहाँकि भांगी भांगी लोप पाई बर्तमान रही सतावन टी मंदिर ताक बर्तमान प्रशासन ताक तदारख करवा दरकार अंचल उन्नति कले एवं यही जदि रानीपुर जरिया किसी उन्नति हुए तो निश्चित भाव में लोक दर्शक आसवे निश्चित भाव जो मैंने पर्यटक आसवे और सरकार यह प्रति कि भाव दृष्टि देवे रही दाबी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार यह प्रति दृष्टि देने यह स्थान आहरी उन्नति हो पारंता पर्यटकों भिड़ लगता बलांगीर प्रदीप्त मिश्र जी मीडिया आज अध्याय आपण मैंने देखुले रानीपुर झरियाल प्रसिद्ध 64 जोगिनी मंदिर संपर्क में आज तो समय हो जाए पुणी देखा बुलवा ओडिशा जाणवा ओडिशा परवर्ती अध्याय।